अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पहली बार टेस्ट मैच खेलने उतरी थी। भारत के खिलाफ उसका डेब्यू टेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। तभी तो अफगानिस्तान टीम के कप्तान असगर स्टैनिक जई ने यह बात कह दी कि दो दिन में इस टेस्ट मैच के खत्म होने से वे हैरान हैं। भारत ने बेंगलोर में खेले गए इस टेस्ट मैच को दो दिन में ही जीत लिया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उत्तरी भारतीय टीम पहली बार किसी टेस्ट मैच को दो दिन के भीतर जीतने में सफल रही है। भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। मेजबान टीम ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया और मेहमान टीम को दूसरी पारी में 103 रन पर समेट कर मैच पारी और 262 रन से अपने नाम कर लिया। हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान असगर ने कहा, मैं इस बात से हैरान हूं कि यह टेस्ट मैच दो दिन में ही खत्म हो गया। हमारी टीम अच्छी है, हमने जिस तरह से बैटिंग की उससे हम निराश हैं, लेकिन भविष्य के लिए यह अच्छा है। हम अपने कैंप में अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारतीय कप्तान से कई बातें सीखनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने अपने गेंदबाजों में तब्दीली की वह बहुत ही सराहनीय थी। अफगानिस्तान के कप्तान ने मैच देखने आए दर्शकों का दिल से आभार माना। हम आपको बता दें कि भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अफगानिस्तान का सम्मान करते हुए अपनी जीत की ट्रॉफी उन्हें सौंप दी, जिसे देखकर सारे अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारतीय कप्तान के फैन बन गए। अफगानिस्तान के कप्तान ने अजिंक्य रहाणे की इस दिल छू लेने वाली हरकत का दिल से स्वागत करके उनके साथ बड़ी प्यारी तस्वीरें भी खींची। तो दोस्तों, आपके मुताबिक क्या अजिंक्य रहाणे धोनी और विराट कोहली जैसे बेहतरीन कप्तान बन पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें।